उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आज रविवार को अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह सम्मान समारोह वाराणसी के फातमान रोड स्थित एक लॉन में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान माल्यार्पण कर उन्हें गदा भेंट कर किया गया और जैसे ही अजय राय का सम्मान हुआ वैसे ही कांग्रेस जनों में बेहद उत्साह नजर आया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा लॉन गूंज उठा। वहीं अजय राय के हाथ में गदा आते ही जय बजरंग बली और हर हर महादेव के नारे लगने लगे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस सम्मान समारोह में सबसे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दीप प्रज्वलन कर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके समक्ष पुष्प अर्पित किया। सम्मान के बाद अजय राय ने मौजूदा सभी कांग्रेस जनों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में स्वच्छता अभियान को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि काशी के 9 सालों से सांसद है प्रधानमंत्री, लेकिन आज तक स्वच्छता अभियान चल रहा है। अजय राय ने कहा कि एक और नया शब्द जोड़ दिया गया है, स्वच्छांजलि, लेकिन मैंने स्वच्छता अभियान सुना है और स्वच्छता पखवाड़ा सुना है। इसका मतलब इससे यह साबित होता है कि अभी भी बनारस के अंदर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, प्रदेश में भी गंदगी अंबार पड़ा हुआ है। पहले मोदी जी अपना हृदय साफ करें और मन साफ करें, तब गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। एक तरफ गांधी जी को नमन किया जा रहा है तो दूसरी ओर गांधी जी की बनाई हुई सर्व सेवा संघ को तोड़ने के विध्वंस करते हो, यह श्रद्धांजलि नहीं है। 9 साल से आप यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं बनारस से, और अभी स्वच्छता नहीं अभियान चल ही रहा है और एक नया शब्द को उससे गढ़ दिया, स्वच्छांजलि। स्वच्छांजलि मैंने कभी नहीं सुना है, स्वच्छता अभियान सुना, स्वच्छता पखवाड़ा चुना। इसका मतलब कि अभी भी इससे साबित होता है कि अभी भी बनारस के अंदर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, प्रदेश में गंदगी का अंबार पड़ा है। पहले मोदी जी अपना हृदय साफ करें, मन साफ करें, तब गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी, स्वच्छांजलि होगी। क्योंकि एक तरफ गांधी जी को नमन करते हो, दूसरी तरफ गांधी जी की बनाए हुए संस्थान सर्व सेवा संघ को आप तोड़ते हो, विध्वंस करते हो, ये स्वच्छांजलि नहीं है। ये मन में आपकी दुर्भावना है, दुर्भावना के प्रति आप पहले दूर करिए, मन को साफ करिए और तब जाकर आपकी स्वच्छांजलि, तब आपकी सफाई हो। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है जनता को, पहले भी किया गया फिर गुमराह किया जा रहा है, पर प्रदेश की जनता, बनारस की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। अब यहाँ का राजा का हाल चाल हो ये होगा, हम केम छो मजा मा नहीं होगा बनारस।